अब इस चौल की तरफ मुड़कर दोबारा कभी मत देखना। वो देख मंजरी, इंडस्ट्री का नेक्स्ट सुपरस्टार विन कुंद्रा। बाबा का एक इंजेक्शन 60,000 रुपए का है, कहाँ से लाएगी ताई इतने पैसे? आखिर है तो वो एक बैकअप डांसर ना। सर आप खुद कह रहे हैं कि एक स्टंट है, मतलब इसमें जान का खतरा है। मेरे ट्रूप की कोई भी लड़की पैसे के लिए मुश्किल काम नहीं करेगी सर। मैं करूंगी ये स्टंट। इससे तो ये खतरनाक सीक्वेंस है, ये तुम नहीं कर सकती। आई नो सर, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ, ट्रस्ट मी। सिद्धू तू पागल हो गई है, इतना बड़ा खतरा है, अब तुझे कुछ हो गया तो? मुझे मेरी चिंता नहीं है सर, मैं ये स्टंट करूंगी। थैंक यू सो मच सिद्धू, आज तुम्हारी वजह से मेरा लाखों का नुकसान होते होते बच गया। सर लेकिन मुझे पैसे तो आज ही मिल जाएंगे ना? अरे हाँ हाँ बेटा, जैसे ही डायरेक्टर टेक ओके कर देगा वैसे ही तुम्हारे हाथ में कैश मिल जाएंगे। लेकिन बस अभी के लिए तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, शॉट दे दो और पैसे ले जाओ। ओके, ऑल द बेस्ट। कम 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 कम, देख तो इसे, कितनी लालची है ये। फोन देखा है इसका, रबर बैंड लगा के चलाती है, फटी चप्पल में घूमती है। और आज देखो, पैसे देखे नहीं और दिखा दी ना अपने औकात। अरे ऐसी ही लड़कियाँ होती है जो अपनी इंडस्ट्री का नाम खराब करती है, पैसे देखे नहीं और फिसल जाती है। नाम तो सिद्धू है लेकिन अपने आप को शकीरा से कम नहीं समझती मैडम। सिद्धू को पैसे की जरूरत क्यों है ये तुम नहीं समझ सकती। और प्लीज बिना सच जाने कुछ भी मत बोलो। हाँ ही पैसों का बंदोबस्त हो गया है, तू डॉक्टर को बोल कि इंजेक्शन लगा दे। आई मैं बस 2 घंटे में पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। डॉक्टर साहब आप इन्हें इंजेक्शन लगा दीजिए, मेरी बेटी ने पैसों का इंतजाम कर लिया है। ठीक है, हम इंजेक्शन की तैयारी करते हैं, लेट्स गो। कम। ताई ने 60,000 रुपए का इंतजाम कर लिया। मैंने कहा था ना, ताई बाबा के लिए कुछ भी कर सकती है। रोल कैमरा, रोल साउंड। चल शंकी। अप्पा साहब पहले मेरे करण अर्जुन को तो आ जान दो, उसके बाद केक कट होगा। अरे करण अर्जुन कौन है? अरे वो अपना जिंदल साहब, वो वाले करण अर्जुन नहीं, हमारे अपने करण अर्जुन, हमारे अपने स्टार, और शंकर का बेटा विन और मेरा छोटा बेटा राजवीर। अच्छा विन और राजवीर। जी कुंद्रा साहब, आपके सुपरस्टार बेटे विन के तेवर तो देखने लायक। अरे साहब क्या एटीट्यूड, घर में एंट्री मारी वो भी सीधे पूल से। ओ जिंदल साहब, पुत्र किसका है? क्या आपका राजवीर भी
कुछ ऐसा ही करने वाला है? बिल्कुल हो सकता है जी, हो सकता है दूसरी तरफ से निकल जाए। ये क्या यार, कुंद्रा के घर में लोड शेडिंग, बिल नहीं भरा क्या? Hey, look, Rajveer is here. Hi, Rajveer. How are you? Rajveer, one question, please. Hello, Rajveer. How are you? Hi. How are you? I'm so sorry about this glitch. Rajveer, हमें तो लगा ये बिजली आपने अपनी एंट्री के लिए बंद करवाई थी. Actually, it's not a bad idea. वैसे भी सितारे तो रात में ही चमकते हैं. Oh, come on. मुझ जैसे स्टार को इन सब चीजों की जरूरत नहीं. I will shine anyways. लेकिन राजवीर, सितारों की चमक भी तो तभी दिखती है ना जब वो पर्दे पर नजर आए. और हमें तो पता चला है कि आपको अपने ही होम प्रोडक्शन में लॉन्च होने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है. What's your name? मीरा. By the way, मीरा, ये न्यूज़ कहाँ से मिली? क्या राजवीर, अब हमें तो ना बनाओ. 3 सालों से इंडस्ट्री में ये बातें चल रही है कि आपके चाचा जी मिस्टर कुंद्रा आपको लॉन्च करने वाले थे, लेकिन अब देखो अचानक ही वो अपने बेटे विन कुंद्रा को लॉन्च कर रहे हैं. करेक्ट. एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले तो विन कुंद्रा गुरदासपुर से मुंबई आए थे. इतने कम दिनों में इतना बड़ा लॉन्च. ओ कम ऑन गाइस, तुम लोग बिना आम जर्नलिस्ट की तरह हर खबर में कुछ ना कुछ सेंसेशनल ढूंढते हो. नॉट दे गाइस, और वैसे भी ये सारे फैसले मेरे चाचा जी लेते. राजवीर सच बताइएगा, ऑफ द रिकॉर्ड कहीं ना कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको साइडलाइन किया जा रहा हो? आई मीन इसमें बुरा लगना तो लाजमी है. After all, your launch is as important as wins. True. इसलिए मेरे चाचा जी, यानी कि मिस्टर शंकर कुंद्रा, मेरे लिए एक खूबसूरत स्क्रिप्ट ढूंढ रहे. And you, रही बात मुझसे पहले विन के लॉन्च की तो I don't care. Oh, come on guys, विन मेरा भाई है, and I'm very proud of him. पर राजवीर. That's it. Have fun guys. Enjoy the party. Okay. सबकी जुबान पे सिर्फ और सिर्फ विन का नाम, जहां पर भी जाओ विन विन. As if I don't even exist. अगर मेरा लॉन्च 3 साल तक पुश हो सकता है तो विन का क्यों नहीं? ब्रदर, इतनी आसानी से तुझे बॉलीवुड में एंट्री होने नहीं दूंगा. I'll see you soon. क्या जरूरत थी ये सब करने की सिद्धू? मैंने पहले ही कहा था कि इसमें बहुत रिस्क है, लेकिन नहीं, ना तुमने मेरी सुनी और नहीं आपने सर. अभी एक डेंजरस सीक्वेंस बाकी है, अगर कोई अनहोनी हो गई तो. अब बहुत हुआ सिद्धू, अब तुम डांस नहीं करोगी. सर अब प्लीज पैकअप कर दीजिए. नहीं सर प्लीज, सर प्लीज मुझे ये डांस कंप्लीट करने दीजिए. सर प्लीज. तुम समझ क्यों नहीं रही हो सिद्धू? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, खुदा ना करे तुम्हारा चेहरा जल गया तो, तुम फिल्म में कैसे डांस कर पाओगी? तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा. सर मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे मेरे बाबा की चिंता है. अगर बाबा को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी. सर सर मेरे डांस करने से मेरा घर नहीं चलता है, मेरे बाबा की सांसें चलती हैं. अरे वसीम, जब उसे प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्या हो रहा है? अरे सिद्धू बहुत ही हिम्मत वाली लड़की, मैं जानता हूं ना. और अभी 2-3 शॉट तो बचे, क्यों पंगा कर रहे हैं यार? बेबी बेबी, आप है ना ये शॉट पूरा करो, ठीक है? मैं आपको ना 60,000 रुपए नहीं, पूरे 70,000 रुपए दूंगा. सिद्धू एक बात बोलूं, खुदा तुझ जैसी जिद्दी और स्टुपिड ट्रूप डांसर किसी को ना दे, लेकिन तुझ जैसी बेटी सबको दे. अगर अब तुम्हें ठीक लग रहा है तो चलो ठीक कर दे. क्या हुआ बिजली भाभी? मंजरी एक बात बताना, सोच रही थी कि केक और आइसक्रीम खाएं या नहीं. उसमें सोचना क्या है, खा लीजिए ना. हाय मुझे रसमलाई भी तो खानी है. आप एक काम करिए, आप ना वहाँ आराम से बैठ के सोचना कि क्या खाना है. ओहो मंजरी ये भी तो मुमकिन नहीं है. क्यों?
वो देखो वो सोफा कितनी दूर है और हम यहाँ से चल के वहाँ तक जाएंगे और फिर उस पे विराजमान हो जाएंगे और फिर हमारा आइसक्रीम खाने का मन करे तो। अच्छा अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अरे सुनो, वो कुर्सी यहाँ ले आना, यहाँ रख, बस अब आप यहाँ आराम से बैठ के सोचिए कि आपको आइसक्रीम खानी है या फिर आपको रसमलाई खानी है या फिर दोनों नहीं खाना है, ठीक है? बैठिए। ठीक है मंजरी। वो क्या है ना मंजरी, हम ना एक समय पे एक ही काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप आराम कीजिए। तो मंजरी सुन, अब क्या है बिजली भाभी? अयो देख, मेरा लाडला सोना पुत्र कितना सोना लग रहा था, अपनी पार्टी की शान। अरे आ गया विनायक। साल हो गए मुझे फिल्मों में फाइनेंस करते हुए शंकर, मगर किसी स्टार के ऐसे तेवर नहीं देखे। अरे बहुत प्रॉमिसिंग है तेरा लड़का, बहुत प्रॉमिसिंग। फेरबिन अंकल जी। अरे क्या हालचाल? अभी कुछ देर पहले तो मेरी दुआ सलाम का जवाब देने का वक्त तक नहीं था तेरे पास, और अब सीधा पैरी पोना। वक्त नहीं अंकल जी, हालात नहीं थे। क्या है ना कि बड़ों के सामने अगर छोटे कपड़ों में खड़े रहेंगे ना तो बड़ों की तौहीन हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ से चला गया था। आप ना टेंशन मत लो, बस अपना आशीर्वाद दे के रखो। अरे जीता रह जीता रह, सबसे बड़ा सुपरस्टार बन। यार शंकर, अरे दिल खुश कर दिया यार तेरे बेटे ने, क्या बात कही है? दल साहब बहुत कुछ प्लान किया हुआ है इसके लिए, आग लगा देगा आग। प्लान चाहे जो भी किया हो मैं उसे पूरा होने नहीं दूंगा। हर बार इस विन की वजह से मुझे मात खानी पड़ती है, लेकिन अब देख मैं कैसे इस सो कॉल्ड सुपरस्टार विन कुंद्रा की इज्जत का कचरा करता हूं। जिंदल साहब, 150 करोड़ की तो सिर्फ मेकिंग है विन के फिल्म की, 50 करोड़ की पब्लिसिटी अलग से। अरे वो छोड़ो, नीलेश इधर। सर आप ये खाइए, आधे घंटे खुद किचन में खड़े होके आपके लिए स्पेशल बनाया है, लीजिए। नहीं, विन भी मेरे बेटे जैसा ही, और इसकी पहली फिल्म है तो भाई मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी तो होना चाहिए कि नहीं? ओ अब आप ये चेक शेक मत निकालो जिंदल साहब। अजीत पेंद, मैं जानता हूं कि तुझे मेरे फाइनेंस की जरूरत नहीं है, पर रणबीर कपूर के बाद विन कुंद्रा ही है जिसे इतनी बड़ी लॉन्च मिल रही है। तो भाई मेरा गुड लक फैक्टर तो बनता है कि नहीं है? चलती है क्यानों से बारा, अरे टन टना टन 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 तारा, चलती है क्यानों से बारा। सुना है तेरे चाहने वाले
आगे दस है पीछे बारह, और खड़ी खड़ी क्या सोच रही है, चल हो जाए नौ दो ग्यारह। ओ जिंदल साहब, ये देखो मेरे राजवीर को, ऋतिक रोशन से बेटर डांस करता है। चल कहाँ? चलना। नहीं नहीं, तू अच्छा कर रहा था यार। कम भाई, कम ऑन भाई, दो दिन में तेरा लॉन्च है और इन सब के लिए तुझे हमेशा से तैयार होना होगा। क्यों जिंदल साहब? जाओ जाओ बेटा, जाओ फ्लोर पे जाके आग लगा दो। बिकॉज यू नेवर नो कब कौन और कहा तुम्हें डांस फ्लोर पे बुला ले, है ना? कम ऑन, चल विन। Come on guys, come on, win, come on, win, win, come on, win, win, come on, win, win, come on, win, 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 win. नचती तू फैंसी, हर एक ठुमका आजमाए, बजती अलार्म सी, दो पल न शांति, क्लब की जगा दे आत्माए। हो आजा दिखला देंगे हम आज अंगना, तेरे नाल करके बीट ड्रॉप नचना, दिल डिस्को डिस्को बोले सारे। मंजरी, इन अच्छा नाच रहे हैं। अरे एक है धर्मपा जी और एक है ये मेरा नालायक विनायक, बिल्कुल नहीं नाचना आता दोनों को। नाचती तो थी मेरी बचपन की सहेली सविता की बेटी सिद्धि। काश मेरे नालायक विनायक ने उससे कुछ नाचना सीख लिया होता। अरे 9 साल की उम्र में इतना अच्छा नाचती थी, अब तो बहुत बड़ी डांसर बन चुकी होगी। मेरी शेर, मेरी शेर सिद्धि। डिस्को बोले सारी रात सजना, डिस्को बोले सारी रात सजना, डिस्को बोले सारी रात सजना। क्या शंकर, विन को नाचना नहीं आता? और राजदीप को देख। ऐसा नहीं है जिंदल साहब, वो दरअसल विन को ना नाचने का शौक ही नहीं है। वो ओ जिंदाल साहब, आप जो है इसका नाच छोड़ो, आप तो बॉडी देखो इसकी, इसकी बॉडी जो है ना गजनी के आमिर खान से भी ज्यादा बेटर है, देखो। ना ना शंकर, ऋतिक रोशन, वरुण धवन, ये लोग कोई ऐसे सुपरस्टार नहीं बने, उनकी रोम रोम में रिदम है। इनको देख के मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है। एक एक्टर को डांस ना आ पाना बहुत बड़ी कमी है, बड़ी कमी है। समझ मेरी बात, समझ मेरी बात। एक कामयाब एक्टर बनने के लिए बॉडी और डांस दोनों की जरूरत होती है। शंकर, विन को देख के मुझे लगता नहीं है कि वो। अंकल जी डांस करते आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शंकी, अपना विन कितना स्मार्ट हो गया ना, सिचुएशन को कितने अच्छे से हैंडल कर लेता, देखो कितनी कितनी अच्छाई से अपनी कमी को छुपा लिया। नहीं भाई साहब, आज तो जिंदाल साहब को उसकी कमी दिखाई पड़ गई है, कल पूरी दुनिया को दिखाई पड़ जाएगी, फिर क्या करेंगे। तो ठीक कह रहा शंकी, अगर विन को सुपरस्टार बनना है तो इसको नाचना तो सीखना होगा। नाचना तो सिखवा दे इसको, लेकिन इसको नाचना सिखाएगा कौन?
आई बाबा का इंजेक्शन? बेटा इंजेक्शन लग चुका है, हम बस पैसों का ही। आई आप पैसों की चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम हो गया है, मैं बस थोड़ी देर में लेकर आती हूँ। जल्दी घर आ जाना। हाँ ठीक है आई। बस दो इंजेक्शन और फिर बाबा का इलाज पूरा हो जाएगा। कोर्स खत्म होते हम पार्टी करेंगे पक्का। गोपाल कृष्णा में वड़ा पाव पार्टी। पप्पा शप्पर। आप दोनों के ऊपर पप्पा की कृपा हमेशा बनी रहे और आप हर मंगलवार को इसी तरह से दर्शन करने आते रहो। क्यों आओगे ना जी? पंडित जी पप्पा शप्पर।